नमस्कार, नेक्स्ट नाइन लाइफ देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी आज की इस खास वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की। सुशांत सिंह राजपूत की अगर बात करें तो उनके निधन को भले ही 3 साल का वक्त होने वाला है, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत को ना तो उनका परिवार भुला पाया है, ना सुशांत के फैंस भुला पाए हैं और ना ही सुशांत के साथ काम करने वाले उनके को एक्टर्स उन्हें भुला पाए हैं। आज का दिन सुशांत सिंह राजपूत के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। दरअसल आपको बता दें कि बीते 22 फरवरी को सुशांत सिंह राजपूत की पहली फिल्म कायपोचे बड़े पर्दे पर रिलीज हुई थी। आज से तकरीबन 10 साल पहले सुशांत सिंह राजपूत ने टीवी इंडस्ट्री को छोड़ फिल्म इंडस्ट्री की ओर रुख किया था। साल 2013 22 फरवरी को कायपोचे बड़े पर्दे पर रिलीज हुई थी। फिल्म में पहली ही झलक में सुशांत सिंह राजपूत ने ईशान के किरदार में फैंस के दिलों को जीत लिया और तब से लेकर आज तक उनके फैंस हमेशा ही उन्हें सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। भले ही उनके केस में कोई बड़ा खुलासा ना हुआ हो, किसी को सजा ना मिली हो, लेकिन अभी भी उनके लिए लगातार फैंस जस्टिस मांगते हुए नजर आ रही हैं। इसी कड़ी में आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत को याद करते हुए इस फिल्म के डायरेक्टर अभिषेक कपूर ने एक इमोशनल नोट शेयर किया है। इसमें उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के और साथ ही उनके को एक्टर्स अमित सांग और राजकुमार राव के साथ अपनी एक काफी ज्यादा क्यूट फोटो शेयर की है, जहाँ उन्होंने एक पहले सुशांत सिंह राजपूत को याद किया तो वहीं दूसरी ओर फिल्म की 10th एनिवर्सरी के लिए को एक्टर्स और साथ ही पूरे क्रू मेंबर्स को बधाई भी दी, हर किसी की तारीफ भी की। वहीं दूसरी ओर अगर बात करें सुशांत सिंह राजपूत की तो आपको बता दें कि अभी भी सुशांत सिंह राजपूत के केस की जांच चल रही है। इंतजार है कि आखिरकार कब एक्टर को इंसाफ मिलेगा। आज के लिए इस खास खबर पर इतना ही। बाकी ऐसी ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 लाइफ। नमस्कार।